पढ़ा रहे थे। चलो और बताओ, तुम पहला बता रहे थे दोनों में अंतर, क्लियर है? हो गया था, समझ में आ गया डिसीजन कैसे लेना है? लिखेगा, नोट बना, नोट करके लिखेगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार, लिखेगा ऑक्सफोर्ड के अनुसार, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि जब कभी भी, कि जब कभी भी लास्ट पास अगाओ, जब कभी भी लास्ट पास अगाओ बिफोर 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 देन देन एन देन यस्टरडे यस्टरडे ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि जब कभी भी लास्ट पास अगाओ बिफोर देन यस्टरडे हो गया। यदि दिया रहे तब 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 हम लोग पास्ट परफेक्ट का प्रयोग न करके पास्ट परफेक्ट का प्रयोग न करके सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, सब्जेक्ट प्लस बी टू प्लस ऑब्जेक्ट में लिखते हैं, समझ गए? यानी पास्ट परफेक्ट में लिखेंगे कि पास्ट इम्परफेक्ट, इम्परफेक्ट यानी इंडेफिनिट, क्लियर है? कौन सा वर्ड बोले हैं? लास्ट पास्ट अगाओ बिफोर देन क्या यस्टरडे, और ऐसे हम लॉजिक बताए, समझ गए हम लोग ना? लॉजिक से चलिएगा सारा क्वेश्चन का आंसर आ जाएगा, क्लियर है? जैसे लिखिएगा, लिखिएगा सी हैड गॉन टू दिल्ली, सी हैड गॉन टू दिल्ली, शी हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे, she had gone to Delhi yesterday, she had gone to Delhi yesterday to meet, to meet, she had gone to Delhi yesterday to meet her friend, her friend, her friend, she had gone to Delhi yesterday to meet her friend, बोलिए सही की गलत, गलत क्या होगा? friend को जाना चाहिए, she went, had gone to around friend को होगा, क्लियर है ना? लिखेगा सी हैड कम, लिखेगा सी हैड कम लास्ट नाइट, सी हैड कम लास्ट नाइट, सी हैड कम लास्ट नाइट, सी हैड कम लास्ट नाइट टू मीट, टू मीट हर पेरेंट्स, हर पेरेंट्स, टू मीट हर पेरेंट्स, टू मीट हर पेरेंट्स, बोलिए सही है? क्या होगा बोलिए? सी हैड कम की केम, केम पता ना, चले आगे आप बोलिए आई हैड गॉन टू दिल्ली यस्टरडे कि आई वेंट टू दिल्ली यस्टरडे, याद रहेगा? देखिए यहाँ पर लिखता जरूर ऑक्वर्ड है लेकिन मामला जाकर क्या हो जाएगा, फंस जाएगा। आप तो पहले नंबर आई हैड गॉन टू पटना लिख दीजिएगा यस्टरडे, गलत है, सही होगा क्या? आई वेंट टू पटना लिखेगा, लेकिन लेकिन नोट बनाइए, लेकिन नोट बनाइए, लेकिन याद रहे जब कभी भी लास्ट पास्ट अगाओ बिफोर, लेकिन जब कभी भी लास्ट पास्ट अगाओ बिफोर, लेकिन जब कभी भी लास्ट पास्ट अगाओ बिफोर देन, लेकिन जब कभी भी लास्ट पास अगाओ बिफोर देन यस्टरडे, लास्ट पास अगाओ बिफोर देन यस्टरडे दिया रहे, दिया रहे, दिया रहे, और बातें ड्यूरिंग ऑफ टाइम, और बातें ड्यूरिंग ऑफ टाइम, और बातें ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा सिंस का हो, बातें ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात फोर तथा
सिंस का हो, बातें ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात और तथा सिंस का हो, बातें ड्यूरिंग ऑफ टाइम अर्थात और तथा सिंस का हो, तब 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 पास्ट इंडिफिनिट में ना लिखकर, पास्ट इंडिफिनिट समझ जाएगा ना? यस सर। पास्ट इंडिफिनिट में ना लिखकर पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा। एक बैंक में क्वेश्चन आता है और वो एसएससी तक सीमित है, पास्ट इंडिफिनिट में लिखा जाता है। पास्ट इंडिफिनिट मतलब सब्जेक्ट, पास्ट इंडिफिनिट में ना लिखकर पास्ट परफेक्ट में लिखा जाता है। कहने लिखे हैं पास्ट इंडिफिनिट मतलब क्या? सब्जेक्ट प्लस वी टू प्लस ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट क्लियर है? समझिए का जैसे लिखेगा सी 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 सेड दैट, सी सेड दैट, सी सेड दैट द टीचर, द टीचर, द टीचर काउ 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 मी स्टडे, मी स्टडे, मी स्टडे, मी स्टडे फॉर फाइव आवर्स, फॉर फाइव आवर्स, फॉर फाइव आवर्स, फॉर फाइव आवर्स हो गया। स्लैश करिए, बोलिए नो एरर्स, क्या सही है? नो सर। नो सर, हेड जाएगा ना? यस सर। क्या होगा? हेड आउट, सीट आउट के सी हेड आउट, सी हेड आउट। क्यों ऐसा हो रहा है? क्योंकि टाइम है सर, ड्यूरिंग ऑफ टाइम है, ड्यूरिंग ऑफ टाइम। फोर और क्या सेंस है, और फोर और सेंस कब आता है? अरे फोर और सेंस कब आता है? जब है वो हैज, है वो हैज रहता है, हैज होता है जब है, वो हैज है तब तो। अरे क्लियर है? यस सर। समझ में आ गया? यानी सी क्या लिखे हैं? सी सेड दैट, सी सेड दैट, सी टाउट में गलत, टीचर हेड टाउट में होगा, टीचर हेड टाउट। हाँ क्यों होगा? समझ रहे हैं कि रात है? यस सर। लिखेगा कि लास्ट टर्म से लिखेगा, कभी कभी समझ गए मतलब ना? ऐसा ना किसी लिखवा रहे हैं, ठीक है? अरे पता है ना? यस सर। लिखेगा कभी कभी, कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ, कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ, कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ वेल लगाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी 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 पास्ट परफेक्ट के साथ, कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ, कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ वेल लगाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। कभी कभी पास्ट परफेक्ट के साथ वेन लगाकर भी प्रश्न पूछे जाते हैं। तभी दो सेंटेंस होगी, तभी दो सेंटेंस होगी, तभी दो सेंटेंस होगी, तभी दो सेंटेंस होगी, तथा दो, तथा दो सब्जेक्ट होंगे, तथा दो सब्जेक्ट होंगे, तथा दो सब्जेक्ट होंगे, तथा दो भर्ब होगी, तथा दो भर्ब होगी, तथा दो भर्ब होगी, तथा दो ऑब्जेक्ट होंगे, तथा दो ऑब्जेक्ट होंगे, तथा दो ऑब्जेक्ट होंगे, तथा दो ऑब्जेक्ट होंगे। क्लियर है ना? एक हट लेके दोनों लिखेगा, दोनों क्रिया, दोनों क्रिया, दोनों क्रिया का संबंध, दोनों क्रिया का संबंध पास से होगा, दोनों क्रिया का संबंध पास से होगा, दोनों क्रिया का संबंध पास से होगा। क्लियर है? एक घटना पहले घटेगी, एक घटना पहले घटेगी, एक घटना पहले घटेगी, तथा दूसरा घटना बाद में, एक घटना पहले घटेगी तथा दूसरा घटना बाद में, एक घटना पहले घटेगी तथा दूसरा घटना बाद में। जो घटना पहले घटेगी, जो घटना पहले घटेगी उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो घटना पहले घटेगी उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा।
जो घटना पहले घटेगी उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, जो घटना पहले घटेगी उसे पास्ट परफेक्ट में लिखा जाएगा, तथा जो घटना बाद में घटेगी उसे पास्ट इम्परफेक्ट, तथा जो घटना बाद में घटेगी उसे पास्ट इम्परफेक्ट, तथा जो घटना बाद में घटेगी उसे पास्ट इम्परफेक्ट। समझ गए हैं? देखिए, इसे तीन तरह से क्वेश्चन आता है। ये क्या लगाता है? बिफोर, दूसरा आफ्टर, और तीसरा व्हेन। अभी के डेट में यही वाला जो उनसे क्वेश्चन आता है ज़्यादा, कौन वाला? व्हेन से। तब भी दो सेंटेंस होगा, दो सब्जेक्ट, समझते हैं बात को? यस सर। एक घटना पहले और एक घटना बाद में, जो घटना पहले घटेगा उसे पास्ट परफेक्ट। जैसे हम लोग बोलते हैं कि मैं जब पहुंचा, मैं जब स्टेशन पहुंचा, तो गाड़ी फुल चुकी थी। इसमें कितना सेंटेंस? दो सेंटेंस सर। दो को एक घटना क्या हो रहा है? पहले घटना पहले बाद में, अरे पहले और एक बाद में। क्या इसमें पहले हुआ? गाड़ी खुलना। यानी मैं जब स्टेशन पहुंचा, क्या लिखेंगे? मैं जब स्टेशन पहुंचा तो सबसे पहले जब टाइम लिस्ट क्या होगा ना? वेन आई क्या? रिस्ट। स्टेशन। समझ गए सब लोग? यस सर। क्या बोलेंगे? द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ। बहुत मतलब हेवी आई है सब पढ़ रहे हैं। थोड़ा तेजी से लिखिए, मैं इस समय पता भी नहीं चल रहा है। When I reach the क्या स्टेशन? अरे क्लियर है ना? द ट्रेन हेड क्या होगा? स्टीम्ड ऑफ। समझ रहे हैं? लेकिन आप ये क्लियर है? यस सर। देखिए, इसका एक और बनावट हो सकता है। मैं स्टेशन पहुंचा, जब गाड़ी खुल चुकी थी। नहीं, यस सर। मैं स्टेशन पहुंचा जब गाड़ी खुल चुकी थी। सबसे पहले क्या बनाइएगा? मैं पहुंचा तो क्या होगा? आई रीच की रिस्ट। क्या बनेगा? आई रिस्ट द क्या स्टेशन, यही ना होगा? उसके बाद वेन मतलब क्या? जब वेन द क्या द ट्रेन स्टीम्ड ऑफ कि हैड स्टीम्ड ऑफ द ट्रेन हैड स्टीम्ड ऑफ। और अब ये हिंदी को मिटा देते हैं,
देखे तो दोनों का सेंटेंस का फॉर्मेशन कुछ भिन्न लग रहा है। ये दोनों सेंटेंस का फॉर्मेशन भिन्न लग रहा था, हमें तो लग रहा है। नोटिस करना बेटा, बैंक में जब भी जाओ ना, ये फॉर्मूला लिख जाना, बता देते हैं। जैसे देखो यहाँ लगेगा आपको कि मेन वाला भाग में देखिए वी टू लगा हुआ है, और जबकि यहाँ वेन वाला में क्या लगा हुआ है, अरे यही है ना। अभी जहाँ पे जाओगे तो समय तो है नहीं, अरे क्वेश्चन बनाने जाइएगा, समय है, समय नहीं, टाइम नहीं है, क्या करेंगे। एग्जाम का एक लॉ ही अलग होता है, क्लियर है, एक नॉर्म्स अलग होता है, समझे। वहाँ जब जाओगे ना तो सारा रूल्स आपको याद नहीं रहेगा, टेक्निक और ट्रिक काम करता है। जैसे ही एग्जाम में जाना है, ये वो चीज़ याद रखना कि सर यही बात बताए हैं, कुछ नहीं जानोगे तभी एरर सही हो जाएगा, हम लिख के देते हैं। एरर्स और इम्प्रूवमेंट बनाना बहुत बड़ा चीज़ नहीं है, सिर्फ तजुर्बा होना चाहिए। बिना अंग्रेजी पढ़ने भी एरर्स और इम्प्रूवमेंट बनाना सिखा दे सकते हैं, एकदम सही बता रहे। अगर हम चाह जाएँ कि तुम लोग लिखो नहीं और मात्र डेढ़ महीना में सिखा देना है कि एरर्स और इम्प्रूवमेंट बनाना, ग्रामर का ये क्वेश्चन नहीं छूटेगा, बन जाएगा। खाली क्या चीज़ से क्वेश्चन का प्रैक्टिस है, एगो चैप्टर शुरू करेंगे और कहाँ तक ले चल जाएंगे लास्ट तक, अरे समझ रहे ना, वो ब्रेन में क्या हो जाएगा, सेटअप हो जाएगा। टेक्निक ये कहता है कि एग्जाम में जब भी वेन मिले, अरे क्या मिले, दो चीज याद रखना बेटा कि दोनों साइड वी टू नहीं होना चाहिए, अरे दोनों साइड वी टू नहीं होना चाहिए। अगर दोनों साइड वी टू है तो सेंटेंस गलत है, अरे क्लियर है, और दोनों साइड हेड वी थ्री है तब भी सेंटेंस गलत है, अरे रहेगा खोपड़ी में। और जैसे ही एग्जाम में जाएंगे तो वेन अगर पहले है तो निश्चित है कि वेन वाला में वी2 होगा, और अगर मध में है तो वेन वाला भाग में क्या होगा, हेड प्लस वी3 होगा, बस आंसर आ जाएगा। समझ रहे हैं बात को, अब बात बाकी हमको कोई मतलब नहीं है, बात बाकी सेंटेंस बनाना है, बोलो बना देंगे, क्लियर है सबको, लिख लिए हैं, समझे भी ना जी, यस सर, यही काम देगा एग्जाम में। मिटा है बेटा, यस सर, चले आगे, सुनिए मेरी बात को, ए लड़का सुनिए, जब मैं स्टेशन पहुंचा क्या बोलेंगे, स्टेशन। जैसे अगर आप लोग बोलिएगा कि सर जब मैं क्लास पहुंचा तो आप जा चुके थे, तो वेन आई क्या, रिस्ड द क्या, क्लास, यू वेंट, यू हैड गॉन, अरे पक्का, या आई रिस्ड द क्या, क्लास, वेन, यू हैड गॉन, अरे हो जाएगा। तो ये था आपका पास सिंपल थे, यहाँ तक कोई दिक्कत है तो बोलिए, अरे नहीं ना। और मजमूनन एक टेक्निक और ट्रिक, और अगर मेरी किताब लाएंगे सब लोग तो बहुत अच्छा बात है, उत्तम बात है सबके पास, कौन कौन के पास, कम से कम तीन चारों को किताब क्लास में रहे है, चलो ठीक रखे रहो। अभी एक हम टेक्निक बताते हैं, टेक्निक है कि पूरा क्वेश्चन, ऑक्सफोर्ड क्या है यार, ऑक्सफोर्ड में ऐसा जरूरी है कि जो लिख दिया उसी को हम लोग फॉलो करेंगे, अरे क्लियर है, हम लोग सोच भी सकते हैं। ऑक्सफोर्ड फिर लिखता है, लिखे तो नोट बनाइए, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया, नोट बनाइए, ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए, दो बार वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए ऑक्सफोर्ड के अनुसार यह दर्शाया गया कि दो बार वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए, दो बार वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार हैड प्लस वी3 का प्रयोग किया जाता है। बेटा देखो, दो बार वुड हैव का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार हैड प्लस वी3 का प्रयोग किया जाता है, क्लियर है।
किससे बचने के लिए? वुड हैव, वुड हैव, क्लियर है? जैसे लिखेगा, लिखेगा इफ, लिखेगा सेंटेंस इफ आई वुड हैव, इफ आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, गॉन टू दिल्ली, इफ आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव, आई वुड हैव हेल्प यू, हेल्प यू. If I would have gone to Delhi, I would have helped you. I would have helped you. Clear है? समझिएगा मेरी बात. पहले टैक्टिक सीखिए, फिर हम इसका कंसेप्ट बहुत अच्छा दे देंगे अपने तरफ से. ये वुड जो है प्रेजेंट है, पास्ट है कि फ्यूचर है? पास्ट है. पास्ट है, क्योंकि विल का पास्ट क्या होता है बेटा? वुड. और शैल का शुड होता है ना. तो वुड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है. और हैव जो है वो परफेक्ट है. एक चीज याद रखना, कोई भी सेंटेंस परफेक्ट तभी कहलाएगा जब उसमें हैव और हैज आएगा. अरे क्लियर है? बिना हैव और हैज का कभी भी टेंस परफेक्ट नहीं हो सकता. क्लियर है? जैसे समझिएगा, इफ आई वुड हैव गॉन टू दिल्ली, आई वुड हैव हेल्प्ड यू. ये वुड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है. और ये हैव जो है वो क्या है? परफेक्ट है, क्योंकि वर्ब का आगे तीसरा रूप है. क्लियर है? ये वाला बोलो बेटा, ये प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है. और ये वाला क्या है? परफेक्ट. यानी ये वुड प्लस क्या? परफेक्ट. तो ये वुड है, वुड है. यस सर. एक चीज समझिएगा कि ये वुड है, वुड है का इंग्लिश में कोई भी चीज का रिपीटेशन शोभा नहीं देता है. अरे क्लियर है? और जब भी अगर रिपीट हो तो पहले वाले को क्या करना है? गलत करना है. याद रहेगा, जब भी रिपीटेशन हो तो किसको काटेंगे? पहले. अब ये समझिए कि ये वुड है, वुड है, तो यहाँ क्या लिखेंगे? हैड प्लस क्या? बिथरी. हैड गॉन. आप बोलिएगा कैसे, क्यों लिखा रहा है? तो ये वाला देखिए, इफ वाला भाग, ये इफ है ना. अरे क्या है? और इफ वाला भाग में कभी भी मॉडल वर्ब का प्रयोग नहीं होता है. जैसे कैन, कुड, मे, माइट, शुड, ये वाला भाग में होगा कि नहीं होगा? नहीं होगा. क्लियर है? ये साइड मॉडल वर्ब का प्रयोग जब होगा तब टेंस होगा, और ये साइड जब होगा तब क्या होगा? मॉडल होगा. अरे क्या होगा बेटा? मॉडल. मॉडल मतलब मॉडल्स. यस सर. शुद्ध उच्चारण क्या बोलते हैं? मॉडल. समझ रहे सर? क्लियर है? ये वुड जो है क्या है? पास है. और हैव जो है वो परफेक्ट है. यानी वुड हैव कैसा है? पास परफेक्ट है. मान लो ये लड़की क्या है? आईएएस है. अरे लड़की आईएएस है, तो लड़का कैसा चाहिए? आईएएस चाहिए. तो हेड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है. परफेक्ट है? परफेक्ट है. तो परफेक्ट का शादी किससे? परफेक्ट से. परफेक्ट से. अर्थात यहाँ काट दीजिए, यहाँ हेड वन मिटा दे. क्या बेटा मिटा दे? देखिए अभी भी नहीं है, क्लियर हुआ है? अभी क्लियर होगा. पहले ऑक्सफोर्ड का सब बात को लिख लेते हैं. लिखिए, ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया, एक और नोट बनाइए. ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया, ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया कि वुडवुड का, ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया कि वुडवुड का, ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया कि वुडवुड का रिपीटेशन, ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया कि वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए, वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार भीटू का प्रयोग किया जाता है. ऑक्सफोर्ड ने यह दर्शाया कि दो बार वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार भीटू का प्रयोग किया जाता है. क्लियर है? समझ में आ गया? किससे बचने के लिए? दो बार वुडवुड का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार भीटू का प्रयोग किया जाता है. ठीक है? जैसे लिखेगा इफ, लिखेगा इफ आई वुड, इफ आई वुड, इफ आई वुड, इफ आई वुड, इफ आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड गो टू दिल्ली, आई वुड मीट यू, आई वुड मीट यू, आई वुड मीट यू, आई वुड क्या? मीट यू. इसमें क्या रिपीट हो रहा है बेटा? अरे वुड रिपीट हो रहा है ना. यस सर. वुड प्रेजेंट है कि पास्ट है? पास्ट है. क्या ये परफेक्ट है? नो. परफेक्ट नहीं है, क्योंकि इसमें हैव और हैज का पार्ट नहीं है. तो ये लड़का कैसा है? रोड छाप. और आगे जो वुड जो है वो भी क्या है? लड़की. रोड छाप.
तब शादी क्या परफेक्ट से होगा? नो सर। नहीं तो इधर भी टू ना होगा, तब वुड को राउंड कर दीजिए, वहाँ भी टू कर दो। क्लियर है? ये हो गया है आपका लॉजिक। और अब आते हैं कंसेप्ट पे, क्या कि ऐसा हो क्यों रहा है। नहीं वेट कर दीजिए, वुड को राउंड करिए ना, है ना। आप किसी भी बुक के सहारे अंग्रेजी नहीं सीख सकते, आपको लिख देते हैं वुड को काट के भी टू कर दीजिए। करने में बहुत अंतर है ना। तो आखिर ऐसा वो क्यों रहा है, तो इसकी जानकारी के लिए हमें डेप्थ नॉलेज तक जाना होगा। नहीं इसको बोलते हैं कंडीशनल, CONDITIONALS कर देते हैं, कंडीशन कर देते हैं सर पे। अरे क्लियर है ना, कंडीशनल का मतलब क्या होता है सर? क्या होता है बेटा? सर। तो हेडिंग दे दीजिए कंडीशनल सर, हेडिंग दे दीजिए कंडीशनल सर। अभी हम लोग पास्ट परफेक्ट और इम्परफेक्ट ही पढ़ रहे हैं, लेकिन आज जो आप लोग चैप्टर पढ़ रहे हैं इसे लगभग हमको 200-300 क्वेश्चन बना देगा। इतना महत्वपूर्ण क्लास बता रहे हैं और एग्जाम में यहाँ से क्वेश्चन आता है। कंडीशनल का मतलब क्या सर? मेरी बात को समझिएगा। शर्त एक साइड से लगता है कि दो साइड से? दो साइड से। हैं? शर्त एक साइड से कि दो साइड से? दो साइड से। जैसे हम बोले आपसे, बोले सर जी कि यदि आप बोलेंगे तो मैं आपको मदद करूँगा, तो आप बोलेंगे तब ना करेंगे, ये मेरा क्या है? अरे मेरा क्या है? शर्त है। जैसे कोई लड़की अगर बोलेगी यदि यदि तू बोलेगी तो हम सिंदूर दे देंगे, तो बोलेगी एक साइड, यदि तू बोलेगी तो मैं आपको क्या दे दूंगा? सिंदूर दे दूंगा। ऐसा शर्त है कि नहीं? क्या शर्त है? दो साइड शर्त है। बोलेंगे तो बोल के देखो, लड़का हाथ काट के भी सिंदूर बना देगा। समझ रहे ना? यानी सर वन साइड की डबल साइड, डबल साइड, डबल साइड। कंडीशनल में सेंटेंस एक साइड नहीं आता है बेटा, कंडीशनल हमेशा दो साइड आता है। क्लियर है? शर्त, शर्त जो होता है कंडीशनल, शर्त कंडीशनल तीन तरह के होते हैं। कितने तरह के? तीन तरह के, ओनली थ्री टाइप। एक को बोला जाता है ओपन कंडीशनल, ओपन कंडीशनल ओपन क्या? कंडीशनल। कंडीशनल ओपन कंडीशनल कभी भी पास में नहीं होता। किसमें नहीं होता? पास्ट में। पास्ट में नहीं होता। कौन सा कंडीशनल? ओपन कंडीशनल, है ना। ओपन कंडीशनल एक्चुअली कहते किसको है? खुलेआम चैलेंज। अरे क्या देना? खुलेआम चैलेंज देना। जैसे यदि तू बोलेगी तो हम तुम्हें गोली मार देंगे, बोलेगी वो ना, बोलो ना निकाल देंगे। अगर तू बोलेगा कहने का मतलब हमेशा जो है ओपन कंडीशनल खुलेआम क्या होता है? चैलेंज। अरे खुलेआम चैलेंज। जैसे हम बोलेंगे कि यदि आप मुझे फॉलो करेंगे तो हम आपको 180 प्लस मार्क्स दिला देंगे। क्या चीज में? एग्जाम में। तो ये क्या है? ओपन चैलेंज है। ओपन चैलेंज हमेशा प्रेजेंट में होता है। किस में होता है? प्रेजेंट में। और ऑक्सफोर्ड ने ये लिख कर चला गया कि दो बार विल विल का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार V1 और V5 का प्रयोग करते हैं। तो ये कंडीशनल एक्चुअली कैसा है? ओपन, ओपन है। अरे क्या है? ओपन है। ये पास्ट में होगा कि प्रेजेंट में? प्रेजेंट में, प्रेजेंट में। क्लियर है? जैसे इस कंडीशनल का स्ट्रक्चर होता है बेटा, इसको अभी लिखना नहीं है, सिर्फ समझना है। अरे सिर्फ समझना है। इफ प्लस क्या? सब्जेक्ट प्लस क्या लिखें? अच्छा सुनिए ना, इसको थोड़ा हम जगह बचाने के लिए ऐसे ओपन कंडीशनल समझ जाइएगा। अरे जगह थोड़ा नीचे तक लिखना। जैसे इफ प्लस सब्जेक्ट प्लस क्या? V1 प्लस V5 प्लस ऑब्जेक्ट प्लस सब्जेक्ट प्लस सेल या विल
प्लस बी वन प्लस क्या लिखे बेटा जितना सबको ये प्लस इसका आईडी जो है बेटा वो आईडी होता है यदि यदि जाऊंगा जाऊंगा उसके बाद जाऊंगी या जाएंगे यदि जाऊंगा जाऊंगी और क्या जाएंगे क्लियर है। जैसे हम लोग बोलते हैं ना कि यदि यदि मोदी यहाँ आएंगे यदि मोदी यहाँ आएंगे यहाँ आएंगे तो मैं उनसे मिलूंगा उनसे मिलूंगा। अच्छा दोनों साइड आगे भी है कि नहीं और दोनों साइड आगे है कि नहीं सेंटेंस कितना है एक है कि दो है, दो है।, है? दो है। ये मेरा शर्त है इनके साथ माननीय प्रधानमंत्री जी के साथ बीके सिंह का शर्त है कि सर आप यहाँ आएंगे तो मैं आपसे क्या करूँगा मिलूंगा। बच्चा क्या उठता है डायरेक्ट उसको ट्रांसलेट करने लगता है इफ इफ का मतलब यदि मोदी मतलब मोदी कि मोदी को जो भी कर दीजिएगा नहीं इफ मोदी है ना आएंगे तकागेगी उस लड़कावा को मन करेगा किसमें लिखने के लिए सेल और विल में करेगा कि नहीं लेकिन सेल और विल में नहीं होगा। ओपन कंडीशनल का तात्पर्य यह है कि इट विल बी इन फ्यूचर यह रहेगा क्या चीज में फ्यूचर में लेकिन लिखा जाएगा किस में और क्या याद रहेगा ये रहेगा क्या चीज में बेटा फ्यूचर में लेकिन इसे लिखा जाएगा भीवन और इफ मोदी विल कम हियर की कम से हियर अगर विल कम लिखिएगा तो मामला गड़बड़ अरे मामला इफ वाला भाग में कभी भी मॉडल भाग का प्रयोग नहीं करते हैं नहीं होता सेल विल है क्या मॉडल अरे मॉडल भर्ब है ना याद रहेगा इसे इफ मोदी विल कम हियर की कम सियर कम सियर तो दिक्कत सब्जेक्ट कौन है आई लड़का उठेगा सो देन और देन करे लगेगा तब वो भी सेंटेंस खत्म हो जाएगा अरे क्लियर है ना। तो ये मेंस में पूछता है देन देन कभी यहाँ नहीं लगाइएगा डायरेक्ट कौन हो गया सब्जेक्ट आई और क्या आई विल मिलना का इंग्लिश क्या होता है और उन्हें यानी क्या ही अरे तो दिक्कत ये बताइए इसी को बोल देगा कि विल विल का रिपीटेशन से बचने के लिए एक बार विमन और अब ये कंसेप्ट क्लियर हो गया अरे हो गया सबको इफ मोदी विल कम हियर कि मोदी कम सियर मोदी क्या कम सियर यदि मोदी यहाँ आएंगे है ना आई विल आस्क अ क्वेश्चन ये कैसा कंडीशनल है ओपन अरे कैसा है ओपन है बोलिए यदि मैं दिल्ली जाऊंगा तो आपसे मिलूंगा बोले बेटा इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू क्या बोलेंगे इफ आई गो टू दिल्ली आई विल मीट यू बोलो दिल्ली क्या बोलेंगे आई विल मीट यू यही ना यहाँ तक किसी को आपत्ति है बोलिए नो अरे कोई आपत्ति है इसको लिखना है कि आगे पढ़ाएं लिखिएगा तो जल्दी करिए टाइम को सेव करिए बेटा लाइन को सेव करिए जितना टाइम सेव हो सकता है जल्दी बेटा समय ना
पानी नहीं हुआ। सुनिएगा, ये मोदी बिल काम सी है, सब लोग समझ रहे हैं। ये V5 क्यों लगा बेटा, V1 क्यों नहीं, क्योंकि वाले पार्ट में है तो आने वाला भार भी सिमिलर होगा। अब एक क्वेश्चन हो जा, लिखिए, हो गया, हो जाए क्वेश्चन, लिखिएगा, इफ इफ द स्टूडेंट ऑफ वीके सिंह, इफ द स्टूडेंट ऑफ वीके सिंह will take the exam of banking services, they will qualify. क्वालिफाइड नहीं, विल के बाद भी बनाता है, पता, दिमाग को शांत रखिए। यहाँ स्टूडेंट के जगह एस लगा दीजिए तो बेटा है ना, समझ गया बात को, सही है नहीं सर, गलत है, सही है, गलत है, क्या गलत है बोलिए, तुम्हारा ये भी आ गया है। इफ योर स्टूडेंट्स ऑफ बीके सिंह दे विल टेक द एग्जाम, टेक का मतलब देना, एग्जाम देना का इंग्लिश गिव द एग्जाम की टेक द एग्जाम, अरे पता है ना, यस सर, यदि वीके सिंह का स्टूडेंट यदि एग्जाम देंगे तो यहाँ क्या होगा, विल टेक होगा कि फिर टेक होगा, टेक होगा, टेक्स नहीं ना होगा, नहीं सर, क्यों ऐसा, टेक स्टूडेंट्स है, ऑफ है दोनों साइड, नाउन है प्रोनाउन है, भारु का डिसीजन पहले से, स्टूडेंट्स एक है कि एक से अधिक है, इसलिए टेक आ रहा है, पता ना। अब बोलिए, अगर हम बोले आई विल गो टू दिल्ली, I will teach you, सही की गलत, I will go to Delhi, I will teach you, सही की गलत, अरे I will go to Delhi, I will teach you, सही की गलत, क्यों गलत, I will go to Delhi नहीं होगा, I go to Delhi, अरे पक्का, यहाँ क्लियर हो गया, देखिए आपको एक चीज बता रहा हूँ, इमेजिनरी समझते हैं, यस सर, इमेजिनरी है ना, इमेजिनरी का मतलब क्या समझते हैं, काल्पनिक, इमेजिनरी का मतलब क्या समझते हो बेटा, इमेजिनरी का मतलब कल्पना, यस सर, है ना, इमेजिनरी का मतलब कल्पना करना, नहीं समझे, अच्छा कल्पना यानी सपना, सपना कभी अपना होता है, नहीं होता, आज बुझे, अरे क्लियर है, कल्पना जो होगा वो प्रेजेंट में होगा कि पास्ट में, प्रेजेंट में, वो सही बात है, प्रेजेंट में कल्पना करना, नहीं फ्यूचर, पास्ट में, फ्यूचर में होगा, फ्यूचर में कल्पना होगा ना, ठीक, हाँ सही गलत सोचा है, कल्पना आदमी कब करता है, आगे का सोचता है, आगे का कल्पना करता है, आगे का भी या पीछे का भी, ये इमेजिनरी है, ये कल्पना है, काल्पनिक है, काल्पनिक चीज अभी नहीं, जो घट गया, जो घट गया, यस सर, अरे क्लियर है, इमेजिनरी दैट इज कॉल्ड क्या, इमेजिन करो, इमेजिन करो मतलब याद करो, अरे इमेजिन मतलब याद करो, वो दिन याद करो, समझ रहे हो, अभी वाला की, अरे पास्ट करना, पास्ट का इमेजिनरी, जैसे समझो मेरी बात, अभी यहाँ से जा रहे थे, कोई लड़की मिली बहुत सुंदर, सही बात है, कोई कोई सुंदर बहुत लड़की होती है ना, तो कोई भी इंसान को मतलब कुछ भी हो सकता है, तो क्लियर है ना, या भी आप लोगों के साथ घटना घटता होगा है ना, हाँ ये है ना, घटना घटेगा, शादी शुदा ना ना है, अब हम लोग का क्या होगा, बाजा तीन ही बार बजता है, जन्म के समय, शादी के समय, शादी के समय और मृत्यु, मृत्यु के समय, क्लियर है, और एक बाजा आदमी देखता है और दो बाजा देखता नहीं, सुनते हैं कि बबुला जब तुमने जन्म लिया था ना, तो इतना ढोल बजवाए थे, अब नहीं आता है पमड़िया लोग, मानता है, आता है कि नहीं, एक एक वो शादी का, तुम लोग का बच्चा हुआ है, मेरा तो खत्म किया, हमारे जैसा बेटा क्या करेगा, वो सब नहीं देख पाए, नहीं देख पाए,
तो कल्पना जो होता है बेटा, वो लड़की को देखेंगे तो अचानक नहीं बोलते हैं अरे काश यदि वह मेरी होती, नहीं तो हम भी जम्मू कश्मीर जाते, ऐसे होते हैं ना। ये कल्पना अभी का है कि पास्ट का? पास्ट का। इमेजिन जो है सर, इमेजिनरी, ये तो ऐसा इमेजिनरी जो फुलफिल किया जाए। फुलफिल मतलब क्या भरा जाए। कल्पना दो तरह का होगा, एक ऐसा कल्पना जो पूरा हो और एक ऐसा कल्पना जो पूरा हो। अरे क्लियर है ना। सेंटेंस बेटा तीन तरह में लिखा जाता है, मैं कल भी बात कर रहा था, एक्शन का, पोजीशन का और पोजीशन का, बोले है ना। एक्शन याद आ सकता है कि मैं भर हो, पोजीशन याद आ सकता है कि आप क्या है, और पोजीशन याद आ सकता है आपके पास क्या है। जैसे मैं जा रहा हूँ, ये सेंटेंस किसका है? एक्शन का। मैं गया, ये सेंटेंस किसका है? एक्शन का। क्लियर है। मैं राजा हूँ, ये क्या है? पोजीशन। आप क्या है? व्हाट यू आर इज कॉल्ड क्या? पोजीशन। व्हाट यू हैव, दैट इज कॉल्ड पोजीशन। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? यस सर। द थिंग इज दैट व्हेनेवर वी टॉक अबाउट एनी काइंड ऑफ सेंटेंस, द सेंटेंस हैज बीन स्प्लिट इनटू थ्री पार्ट्स अकॉर्डिंग टू देयर फंक्शन और अकॉर्डिंग टू कंस्ट्रक्शन। फर्स्ट एक्शन, पोजीशन और क्या पोजीशन। दो सेंटेंस व्हिच आर हैविंग मेन वर्ब, दैट इज अ पार्ट ऑफ क्या? एक्शन। क्लियर है। जैसे एग्जांपल, आई एम गोइंग टू दिल्ली। इन दिस सेंटेंस वी हैव यूज्ड गोइंग, इट इज अ पार्ट ऑफ क्या? वर्ब। समझ रहे हो? सेकंड, दो सेंटेंस व्हिच आर नॉट हैविंग मेन वर्ब, जिसके पास मेन वर्ब नहीं है, वेदर इट वुड बी पार्ट ऑफ पोजीशन और क्या पोजीशन। पोजीशन, पोजीशन क्या दर्शाएगा? इट शोज व्हाट यू आर। जैसे मैं राजा हूं, इसमें मेन वर्ब है क्या? नहीं है, ये पोजीशन है। और अगर हम बोलें कि मेरे पास नॉलेज है, ये क्या है? पोजीशन। मेरे पास माँ है, ये क्या है? पोजीशन। जो कुछ भी आपके पास है वह पोजीशन है। तो इमेजिनरी विद फुलफिल, एक तो ऐसी कल्पना बेटा जिसे हम पूरा कर सकते हैं, और दूसरा ऐसा कल्पना जिसे हम पूरा नहीं कर सकते, नहीं कर सकते। क्लियर है। जैसे अगर हम बोलें कि यदि वह मेरी होती, यदि वह मेरी होती तो मैं उसे मदद करता, उसे मदद करता। क्या बोले हैं? यदि वह क्या मेरी होती, उसका मेरा होना क्या है? पोजीशन है कि पोजीशन है? पोजीशन है। पोजीशन है। अरे पोजीशन है ना। अरे उसका मेरा होना क्या है? पोजीशन है। सुनिए, मैं राजा हूँ तो क्या होगा? आई एम किंग। हैं? आई एम क्या? किंग। पोजीशन है। पोजीशन है ना जी। यदि वह मेरी होती तो इफ सी वर, सी वर, यहाँ वर जो का किवर होगा। क्यों? क्योंकि कंडीशनल में कभी भी वर का प्रयोग नहीं होता। नहीं होता। अरे क्लियर है। If she were, mine, क्या दिख रहा है? If she were mine, if she were क्या mine, देखिए noun नहीं है तो my बदल जाएगा किसमें? Mine में। अगर यहाँ noun रहता तो my होता। अरे किधर है? Yes, sir. If she were क्या mine, subject कौन है? I would help her। I would क्या help her। ये समझ में आ रहा थोड़ा? यस सर। अच्छा एक बात बोलिए, सही में यदि वह मेरी होती तो मैं उसे मदद कर सकता था कि नहीं? बिल्कुल। अरे संभव है कि नहीं? संभव है सर। आप कल्पना करिए कि आप अगर चाहते वह मेरी होती तो चाहते मदद करने के लिए संभव था कि नहीं? था। सुनो मेरा बात, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता, प्रधानमंत्री होता, ये क्या है? पोजीशन है। अरे क्या है? पोजीशन। तब हम क्या बोलेंगे? इफ आई वर, आई वाज, कि आई वर, आई वर, अरे आई वाज, आई वर, आई वर ना, द पीएम ऑफ, यदि मैं भारत का प्रधानमंत्री होता क्या बोलिएगा? इफ आई वर द पीएम ऑफ इंडिया, द पीएम ऑफ क्या इंडिया। अरे यही ना बोलिएगा? आई वुड चेंज द कंडीशन, मैं स्थिति को बदल लेता। अरे बात समझे, सही में अगर हम प्रधानमंत्री होते तो चेंज कर सकते थे कि नहीं?
चेंज कर सकते थे, यानी इमेजिनरी दो भाग में बढ़ जाएगा, एक तो ऐसा कल्पना जिसको पूरा कर किया जा सके और एक ऐसी कल्पना जिसको पूरा नहीं कर सकता नहीं किया जा सके। जैसे अभी लिखना नहीं, ये सब सब साफ करके लिखवाएंगे, अरे समझ रहे हैं। यदि हम बोले कि यदि मैं एक्शन में बोल रहा है, अरे किस में बोल रहा है, एक्शन एक्शन में, यदि मैं पटना गया होता होता तो मैं आपसे मिलता, आपसे मिला होता, मिलता या मिला होता वही चीज है। यस सर, है ना। सब्जेक्ट कौन है, क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे, दो पटना। यदि मैं कहाँ गया होता, पटना गया होता, मैं आपसे मिलता, आई विल मीट यू। अरे क्लियर है ना, यू वहाँ छूट गया, समझ आइए। यस सर, तो ये चीज समझो बेटा कि यदि मैं सही में पटना गया होता तो मैं आपसे मिलता या मिला होता, संभव था कि नहीं। यस सर, करना संभव है कि नहीं। यदि मैं दिल्ली गया होता, यदि मैं दिल्ली गया होता, क्लियर है, तो मैं पढ़ता या पढ़ा होता, संभव है कि बिल्कुल संभव नहीं, संभव है। यस सर, संभव है पक्का, अरे क्लियर है। यस सर, आप बोल रहे हैं समझिएगा, मेरे पास थोड़ा सा बदलाव आएगा मेरे भाषा में। यदि मैं पटना गया होता तो मैं गोल घर देखा होता, सही कि गलत, सही, ऐसा करना फुलफिल है सर, करना कैसा है, इमेजिनरी में फुलफिल है, इमेजिनरी में फुलफिल है, कैसे जानना है, क्योंकि पटना जा भी सकते थे तो देख लेते, यदि पटना हम सही में गए होते तो देख लेते, देख सकते थे, अरे संभव था कि नहीं। यस सर, यदि मैं पटना गया होता तो मैं ताजमहल देखा होता, नहीं ये गलत है सर, गलत है, गलत नहीं है, सही है, सही है, सही है, लेकिन ये मामला अलग है और यहीं से क्वेश्चन आता है, समझ रहे हैं। यदि मैं पटना गया होता, कहाँ गया होता, पटना, तो मैं क्या देखता, गोल घर देखता, संभव है। यस सर, यदि मैं पटना गया होता तो मैं ताजमहल देखता, पटना में ताजमहल है बेटा, तो ये इमेजिनरी भी फुलफिल है कि अनफुलफिल, अनफुलफिल है, याद रहेगा। यानी इमेजिनरी कितना भाग में बटा, दो भाग में, कौन कौन, एक फुलफिल और एक अनफुलफिल, और बताते हैं, टेंशन नहीं लीजिए। यदि मैं अंग्रेजी सीखा होता तो मैं भगवान से बात करता, संभव है, सही भी सीख गया होते तो बी के सिंह को जानता है, आई एम एबल टू स्पीकिंग, इज इट पॉसिबल टू टॉक टू गॉड, नो, है नो, पॉसिबल या इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, आई गेटिंग माय पॉइंट, यदि मैं अंग्रेजी सीखा होता तो मैं भगवान से बात करता, ये ऐसी कल्पना है जिसको पूरा नहीं कह सकता है। अब मेरी बात को फिर सुनिए, यदि मैं लड़की होती तो अमन से शादी कर लेता, ये संभव है कि नहीं, अनफुलफिल है सर, अनफुलफिल है, नहीं अनफुलफिल है जी, ना हो सकता था, ना होगा, लड़कियों का ना होता हो जाता, भाग के शादी कर लेते यार, अभी लड़की जहाँ शादी करना चाहिए कर लेगी। यस सर, बाबूजी कुछ नहीं कर पाए, जाके अर्जी लगा देगी कोर्ट में, और कोर्ट भी इसी का साथ देगा, पूरे टेक्शन माई हस्बैंड, यू डोंट हैव पावर टू टच हिम, अरे क्लियर है ना, पुलिस प्रोटेक्शन मिलता भी है सर, मिलेगा नहीं मिलेगा, मिलता है सर, ठीक ना, नरेंद्र मोदी है प्रधानमंत्री का बेटी, अगर ऐसी हो गई तो उसे शादी कर लेंगे, और समझ रहा ना, अगर होती तो कर लेते, संभव है कि नहीं, हाँ लेकिन नहीं सर, मतलब करेगी नहीं, क्योंकि तुम्हारे और हमारे सब नौकर हो गए, तो समझ रहा मेरी बात, कि यदि मैं लड़की होती तो मैं उससे शादी कर लेता, संभव है कि नहीं, लेकिन ये बोलती है कि यदि मैं लड़का होती होता, होता, यदि मैं क्या होता, लड़का होता, लड़का होता तो मैं आकाश में उड़ता, मैं उड़ सकती, इम्पॉसिबल, अरे पॉसिबल है, इम्पॉसिबल, इम्पॉसिबल, देखो पोजीशन में दो तरह बढ़ रहा, एक तो पूरा किया जा सकता और दूसरा पूरा नहीं हो सकता, अरे बात समझ रहे,
क्लियर है कि नहीं? पोजीशन में फिर बोल रहे हैं कि यदि मैं पक्षी होती तो मैं आकाश में उड़ती, संभव है कि नहीं? असंभव है सर। अरे ना रात में बात उठ करते होंगे तो बोलते होंगे, अरे यार यदि मैं पक्षी होता तो अभी उड़ के चला था। अंदर का भावना आता है कि नहीं? तो संतोष कर रही है सर, तू ऐसा सोचता है क्या जी? यस सर, ऐसे ही संतोष ठीक ना, कि यदि यदि तुम पक्षी होता तो आकाश में उड़कर चला आता, तो ये ऐसा कल्पना है जो पूरा किया अरे किया जा सकता है ना, तुरंत पक्षी बना देंगे, तुरंत 9 बजे रात को निकलेगा, तुरंत मिल के चलेगा 1 बजे तक, अरे ठीक है समझ में आया? यदि मैं पक्षी होती तो मैं भगवान को गोली मार लेता, न राधा मन न राधा की नाम अंगी होगी न राधा नाचेगी, ये पक्का दो हो गया। पोजीशन में भी बता दिए, अरे ये वाला पोजीशन है ना है सर, हाँ। और एक्शन में भी बता दिए, बताया ना बेटा, रहा क्या पोजीशन, पोजीशन क्या दर्शाता है आपके पास, क्या है आपके पास नॉलेज होना क्या है, पोजीशन है, मेरी बात को समझिएगा, सिर्फ समझाएंगे बेटा लिखाएंगे पहले, क्योंकि आपका समय धीमा धीमा ग्रामर का खत्म होने लगा है, समझ रहे हैं? यस सर। क्योंकि मेरा अनुमान सही था, लगभग 38 हो रहा है, बात समझ सुनिए मेरी बात, लास्ट पोजीशन याद आता है कि आपके पास क्या है, क्लियर है? जैसे अगर हम बोले कि यदि मेरे पास पैसा होता, अरे यदि मेरे पास पैसा होता, इफ आई हैड क्या मनी, मनी अरे पास में कितना होगा, इफ आई हैड क्या मनी आई वुड गिव यू, संभव है ना? यस सर। होता तो आप दे सकते थे कि नहीं? इफ आई हैड क्या नॉलेज ऑफ इंग्लिश लैंग्वेज आई वुड टीच द क्या स्टूडेंट, यानी यदि मेरे पास नॉलेज होता, यस सर है, यस सर समझ में आया, मेरे पास को समझिएगा, यदि यदि मेरे पास अंग्रेजी का नॉलेज होता तो मैं पूरे संसार को बर्बाद कर देता, संभव है? यस सर। वो लोग बर्बाद कर देते हैं, कहीं से क्वेश्चन पूछो आंसर बता देते हैं, बर्बाद कर देते हैं, यस सर अपने बर्बाद होते हैं, समझ रहे ना? यस सर। समझ में आया कि नहीं? यस सर। क्या बोल, समझ में आ रहा बेटा? यस सर। ये अलग चीज है, अगर हम बोले कि यदि मेरे पास पैसा होता तो मैं भगवान को गोली मार देता, ये संभव नहीं है, या भी यदि मेरे पास रुपया होता तो मैं आकाश में सीढ़ी लगा देता, संभव है? नहीं सर। तो ये ऐसा चीज है जो संभव नहीं, मैंने आज कंडीशन के बारे में चर्चा किया और इसका बेस बनाने का प्रयास किया, बात समझे? बहुत ही महत्वपूर्ण क्लास है नेक्स्ट क्लास ग्रामर का, अरे बात समझे? और नेक्स्ट क्लास अगर कर दीजिएगा तो तुरंत जो है हम ये वाला क्वेश्चन इससे कराना लगेंगे, किससे, इससे, और लगभग 150 क्वेश्चन बनवाएंगे और आप लोग बना दीजिएगा तुरंत, मतलब अभी के और मंडे का इतना बेहतरीन क्लास है जो आपको हर क्वेश्चन को उड़ा देगा, और ये जैसे ही ख़त्म होगा तो 150 क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे तभी हम लोग आगे बढ़ेंगे, अरे बात समझे ना? क्योंकि सब चीज़ का एक क्या बना हुआ, सिस्टम बना हुआ, डॉज बना हुआ, समझ में आ गया चले मिटा दिया जाए बेटा? यस सर। सर बात करके लिखाएंगे, यस है ना, वो जितना भी वुड वुड लिखवाए हैं ना वो सब को हम लोग डिफाइन करेंगे कि ऐसा क्यों हो रहा है, क्लियर है? और सिर्फ लिखने और रखने से कुछ नहीं होता, कल शायद हम वर्ड मीनिंग में कुछ बात कर रहे थे, ठीक है, और लास्ट चर्चा तो चल रही थी सिंपल, मैंने कल है ना रीट के बारे में बात कर रहा था, है ना, तो रीट रीट का बात कर रहा था, समझ रहे ना? देखो रीट रीट उसको हम रेट इसलिए पढ़ रहे थे अमान कि इसको क्या बोलते हैं, रीट है रीट रीट बोलते हैं, नाम सुना है, ये रीट मतलब कटना नहीं होता है, वर्क अनकाउंटेबल नाउन, अरे वर्क अनकाउंटेबल नाउन है, जब इसको काउंटेबल बनाओगे ना, अरे वर्क को वर्क्स नहीं लिख सकते हैं, सब हम लोग यूज करते हैं बीट ऑफ वर्क, वर्क डब्ल्यू आर के मतलब एक को काम, और पांच को रहेगा तो फाइव बीट ऑफ वर्क,
अरे क्लियर है, आगे बात करेंगे सब चीज़ एक एक चीज़ समझ में आएगा। यहाँ तक कोई आपत्ति नहीं है तो आगे चलते हैं। अरे चला जाए पुराना का इंग्लिश पढ़ा दिए हैं, ओल्ड ओल्ड क्लासिकल नहीं सर, पुराना का ही पढ़ा है मैं। चलिए मेरी बात को समझिएगा, ये सब मरने सब का बात कर रहे थे है ना, तो मैंने स्टैचू का बात किया। स्टैचू का मतलब क्या होता है, मूर्ति S-T-A-T-U-E सही है। यस सर, ये स्टैचू का मतलब मूर्ति। बोलो यार हमको ना बुझाता, मूर्ति तो बोलो मूर्ति। क्लियर है, एक्चुअली मूर्ति नहीं होता स्टैचू, एक्चुअल इसका मतलब स्मार्क होता है। ये निगेटिव तथ्यों को शो करता है, ये बात समझे ना। जब वर्ड आएगा भरने के लिए, अरे आता है ना एग्जाम में, तो ये सब चीज़ का नॉलेज। स्टैचू मतलब स्मार्क होता है, जैसे देखते हैं महात्मा गांधी का स्टैचू है कहाँ, गांधी मैदान। ये मूर्ति है कि स्मार्क है, स्मारक है। अरे क्लियर है ना, दैट इज कॉल्ड क्या है, स्टैचू है स्टैचू। अरे क्लियर है, तो स्टैचू का मतलब क्या, स्मार्क। अरे स्टैचू मतलब स्मार्क, मतलब पुतला प्रतिमा। अरे वही चीज ना हुआ, ये पॉजिटिव है कि निगेटिव है। पत्थरगढ़ी समझते हैं हम लोग, पत्थरगढ़ी बोलते हैं औरंगाबाद के भाषा में, लोकल भाषा में। आप लोग क्या बोलते हैं जो मरने के बाद वो गाँव में बनता है, अरे स्टैचू बनता है ना, बनता है ना जी, उस पर नाम लिखा रहता है, करना पड़ना जितना भी गाँव में मरता है, पत्थरगढ़ी ना बोलते हैं वो। अरे गाँव में मरने के बाद ना बनता है, ये जानते लेकिन नाम नहीं पता क्या बोलते हैं। हम लोग उसको पत्थरगढ़ी बोलते हैं, दसवां के दिन बनता है और लास्ट में उसी पर जाके कोंडवा कूदता है। अरे क्लियर है, वो स्टैचू है, उस इंग्लिश में उसको स्टैचू कहते हैं, हिंदी में पत्थरगढ़ी हम लोग कहते हैं, तुम लोग स्मारक कहता होगा है ना। अरे हर गाँव में मरा होगा तब पत्थरगढ़िया होगा, फलना बाबा मर गया तो बनता है सर। अरे बनता है ना, देखे हो ना, में नहीं बनता है का हो तो बात सब में बनता है, नहीं बनता है तभी था सही में बनता है। वेल बोला ना, सर क्रिश्चियन में बनता होगा, नहीं नहीं हिंदू में बनता है। तो रखो चुपचाप, ठीक है ना, जितना जिसके पास औकात होगा ना उतना बड़ा प्रतिमा बनेगा, अरे स्टैचू बनेगा। हम लोग में हिंदू समाज में तुम्हारा पता नहीं है कब्र में तुम्हारा उल्टा कहानी है थोड़ा सा, तो हम लोग जो बनाते हैं वो क्या है, स्टैचू। और कहीं ना कहीं वही तो निशानी महात्मा गांधी का ही है। अरे ज्यादा फेमस पे बड़ा स्टैचू बना दिया, तो स्टैचू का मतलब होता क्या, आसमार गया क्या, पुतला। साल भर पर आती है और विद्या देकर जाती है, है ना। वो नाम सुने आइडोल का, उसको बोलते हैं मूर्ति। अरे आइडोल मतलब क्या, मूर्ति। कौन वाला, सरस्वती माँ का क्या है, स्टैचू है, बोलियो सकता है स्टैचू मतलब क्या होगा, स्मार। और आइडोल का मतलब मूर्ति। हमारे गांव में शंकर भगवान, शिव भगवान, ये सब का क्या है, आइडोल है। अरे क्लियर है, लेकिन ताजमहल एक तरह से स्टैचू है, प्यार का एक निशानी है वो। अरे क्लियर है, सिंबल बन गया है। स्टैचू का मतलब क्या, स्मारक, मतलब इसका मतलब ही पुतले हो गया और इसका मतलब ही पुतला। अरे मूर्ति है ना, सब हो गया। yes, लेकिन ये निगेटिव और ये वाला पॉजिटिव है, पक्का। पहला वर्ड क्या बोले, बोलिए स्टैचू, और दूसरा आइडोल। अरे याद रहेगा, महात्मा गांधी का। अरे मरने के बाद जो किसी की याद में जो बनता है उसको स्टैचू बोलते हैं, स्टैचू के बाद जो बना है, समझ रहे बात। यस सर, निगेटिव है ना, वो निगेटिव है ना। हाँ सर, हाँ। अरे अभी सरस्वती माता का स्टैचू ना है, क्योंकि तू जिंदा है, विराजमान है, ना समझे बेटा। हाँ सर, ये क्या हो गया बेटा, स्टैचू। स्टैचू का साइन हो क्या होगा, आइडोल। अरे क्लियर है, एक कौन सा तो मूवी देखे थे कि वो आता है बहुत बड़ा अच्छी लगता है, फाइटर उटर बन जाता है, उसको देश में अथी नहीं करते, आके सबको उतार देता है। क्लियर है, जैसे छोड़ दीजिए आप लोग को ऐसे ना समझ में, लालू जी नीतीश कुमार एन टी पार्टी, कभी दोस्त भी बीजेपी,
सब कभी दोस्त बन जाए और कभी दुश्मन एंटी ना हो। अरे बेटा का काम क्या है? वही ना बेटा यस सर है ना। कन्हैया अगर विपक्ष है तो देश विरोही, और अगर कल अगर बीजेपी में शामिल हो जाए तो यू आर द बेस्ट सिक्योर अवर नेशन। अरे क्या जिधर सट गया, अरे यही ना है। तो जानता है जनता क्या करता है, जब आक्रोश में आती है तब पुतला जलाता है। अरे जलाता है कि नहीं? यस सर है ना। तो जो पुतला बनाता है उसको इंग्लिश में इफिजी कहते हैं। स्पेलिंग बताइए। इफिजी मतलब क्या? पुतला। अरे ना देखा नरेंद्र मोदी का पुतला बना के इफिजी और उतरा में जलाता है। नरेंद्र मोदी मुर्दाबाद। अरे होता है ना चाहे फलना डैड इज फल क्या है इफिजी, ये सब का मतलब मूर्ति ही होता है। अरे क्लियर है। कल के डेट में अगर कर्नाटक में कोई प्रोटेस्ट निकल जाना बाबू किसी का मूर्ति वगैरह अगर ना होता पुतला तो ये वाला तुरंत वर्ड मिल जाएगा क्या चीज। प्रोसेशन का मतलब बारात होता है। प्रोसेशन नाम सुने हैं? यस सर। जुलूस। प्रोसेशन का मतलब क्या? जुलूस या बारात होता है। यस सर। ना बोलता है टू टेक आउट प्रोसेशन मतलब क्या निकालना, बारात निकालना या जुलूस निकालना। तो वो अगर प्रोसेशन निकाला जुलूस निकाला तो निश्चित है तो प्रोसेशन यूज करेगा और क्या ये फेजी कि नीतीश कुमार का पुतला को क्या करा स्टूडेंट लोग जला जला रहा। अरे क्लियर है। सही है। तीनों बन गया क्या चीज साइन याद रहेगा क्या क्या बोले हैं बोलिए स्टैचू और क्या आइडोल और ये फेजी। अरे क्लियर है मिटा दे क्या प्रोसेशन हो गया पी आर ओ सी डबल एस आई हो गया जुलूस या बरात। जुलूस या बरात चलिए बता जल्दी जल्दी चलिए जल्दी जल्दी चलिए सर मिटा दें मिटा दें। हाँ पी आर ओ सी ई डबल एस आई प्रोसेशन मतलब जुलूस या बोलिए बेटा पहला बोलिए बोलिए मूर्ति का पहला स्टैचू और क्या आइडोल आइडोल और क्या ये सब साइनों होगा याद रहेगा। यस सर सुनिए ओल्ड का मतलब पुराना स्पेलिंग ओल्ड ओल्ड मतलब क्या पुराना एंशिएंट का मतलब प्राचीन है प्राचीन एंशिएंट को बोलते हैं क्या ओल्ड ओल्ड। अरे एंशिएंट मतलब क्या प्राचीन नहीं पढ़ते हैं एंशिएंट से मेडाइवल और क्या मॉडर्न तीन ही बात में ना बटा है। एंशिएंट का मतलब नया कि पुराना पुराना पहले हड़प्पा संस्कृति खुदाई है ना जनमुद्रों से लिपस्टिक का साक्ष मिला था ये सब पढ़ना लिपस्टिक का। हाँ लिपस्टिक लगाती है लड़की लोग ना जनमुद्रों से मिला था जी जी जनमुद्रों से ही मिला साक्ष जी सर वहीं से मिला है। स्पेलिंग ये क्या क्या बोले एंशिएंट एंशिएंट का क्या ओल्ड नया कि पुराना पुराना प्राचीन। एक बैंक का तैयारी करते हो मैगजीन कभी लिए हो? अब तो सब ऑनलाइन हो गया। अभी भी अगर तैयारी करते हो ना तो मैगजीन पढ़ा करो। मैं क्यों बोल रहा हूँ कि सॉफ्ट या हार्ड कॉपी किसको बोलते हैं बेटा प्रिंट आउट और सॉफ्ट जो अंदर है। तो हार्ड कॉपी जो बाहर आता है हार्ड कॉपी पढ़ा करिए। हार्ड कॉपी में मज़ा है हार्ड कॉपी में आप उसको तोड़ मोड़ के सीख सकते हैं। सॉफ्ट उतना लाभदायक मेरा मानना है ऐसे आप लोग ये हैं। उसमें जानते हो एक क्रोनिकल आता था बैंकिंग के बीएससी बैंकिंग का कोचिंग है नाम सुने होंगे। अब तो ऑनलाइन के वजह से सब छोड़ दिया है मतलब करोड़ों का किताब बिकता था क्रोनिकल सर है ना सी एच आर ओ एन आई सी ए क्रोनिकल आता था। एक्चुअली क्रोनिक जो है ना सर क्रोनिक का मतलब होता है पुराना
उसी से बना क्या क्रोनिकल। क्रोनिकल मतलब नया कि पुराना, पुराना। क्रोनिकल एक्चुअली कहते किसको है, जो लंबे अरसे से चलते आ रहा है, वहां से नहीं बहुत पहले से चलता है, दैट इज कॉल्ड कहलाता है क्या क्रोनिकल। और ये हटा दिए बन गया क्या क्रोनिक, मतलब नया कि पुराना, पुराना याद रहेगा। अरे याद रहेगा, बोलिए पहला वर्ड क्या, एंशिएंट का क्या ओल्ड, ओल्ड का क्रोनिक। एंसेस्टर का मतलब होता है पूर्वज और पूर्व, सुने होंगे यस सर। पूर्वज और पूर्व क्या एंसेस्टर होते हैं ना। अब एक बात बताइए बेटा, प्राचीन जो सभ्यता थी वो प्री मतलब क्या पहले, तो मैंने क्या कर दिया प्री यस सर प्री, और इसमें जोड़ दिया क्या एम आई प्री मी, और इसमें जोड़ दिया क्या टी आई, और यहाँ जोड़ दिया क्या बी, क्या बन गया प्रिमिटिव। अरे क्या बन गया प्रिमिटिव। प्रिमिटिव का मतलब नया कि प्राचीन, प्राचीन। अरे क्लियर है, प्रिमिटिव मतलब नया कि प्राचीन, प्राचीन। प्राचीन मतलब पुराना कि नया, पुराना। याद रहेगा, क्या बोले हैं एंशिएंट। एंशिएंट का क्या बन गया ओल्ड, ओल्ड का क्रोनिक, क्रोनिक से प्रिमिटिव। याद रहेगा पुराना का क्या क्या वर्ड बताया एंशिएंट, ओल्ड, ओल्ड और क्या क्रोनिक, क्रोनिक और प्रिमिटिव। प्रिमिटिव इसका मतलब नया कि पुराना, पुराना। अरे याद रहेगा, सुनो मेरे को, पच्चीस साल के ज्यादा वाला उम्र वाला गाना कैसा सुनता है लड़का, सॉन्ग दो तरह का होता है, 18 साल से 21 साल के लड़का को चेक कर लीजिए, 22 साल तक लगभग 90% इसमें भी कोई धोखा खा जाता है। 90% लड़का जो गाना सुनता है वो बहुत बुरी सुनता है, मानी बिहार का सुनता है कि नहीं, चाहे लड़का हो या लड़की, और पूरा डांस करेगा, मजा आएगा, करता है ना भोजपुरी गाना सुनता है, जो टेंशन लेना नहीं चाहता है, नहीं खेसारी लाल जाए वो आरा में दोबारा आई है ना, सुने होंगे है ना। तो ऐसे ऐसे गाना क्या है, टेंशन फ्री गाना है, हम भी सुनते हैं, अभी भी हम सुनते हैं, जब टेंशन गर्म होगा ना तो भोजपुरी सुनते करते हैं, क्यों फिर मेरा दिमाग शांत रहता है, ठीक ना। तो वैसा गाना जो सुनता है वो लेटेस्ट सुनता है नहीं, और देखना तुम गौर करना अपने बाबू जी चाचा ऐसा तो सुनना अचानक ना पुराना पुराना मोहम्मद रफी और आशा भोसले गाना सुनना, समझे ना, वो लोग नया नया पुराना सुनते हैं, पुराना याद उन लोग को आजाद है, क्योंकि वो लोग को भी दिल टूटा होगा ना तब पुराना सुनते होंगे। वो ऐसे सॉन्ग को इंग्लिश में हम क्लासिकल सॉन्ग कहते हैं, सुने हैं ना, स्पेलिंग बताइए CLASSICA, वो लेटेस्ट है कि क्लासिकल है, क्लासिकल यानी नया कि पुराना, पुराना। अरे नया सॉन्ग कि पुराना है, पुराना, तो क्लासिकल का मतलब पुराना है। और अभी इस कहानी से हमको कोई मतलब नहीं, हम कोई वर्ड से मतलब हो गया, फिर से बोलिए पहला वर्ड क्या है, एंशिएंट, एंशिएंट का ओल्ड, ओल्ड का प्रिमिटिव, और प्रिमिटिव का क्रोनिक, और क्रोनिक का क्लासिकल, इसको पढ़ लीजिए। हो गया, इसमें भी ऐड किए होंगे बेटा, दे बेटा yes,
पुराना का पहला वर्ड क्या हो गया बोलिएगा एंशियंट बोलो सर याद याद रहेगा पहला क्या एंशियंट और क्या ओल्ड और क्या प्रोनिक और क्या प्रोनिक और क्या क्लासिकल नया कि पुराना पुराना अरे याद रहेगा सुनिए 2016 या 17 के बीच का बात ये वो पेरिस में पैक्ट हुआ था पेरिस पैक्ट उसमें नेशन टोटल 147 कंट्री हिस्सा लिए ग्लोबल वार्मिंग ग्लोबल वार्मिंग नहीं ग्लोबल वार्मिंग हो रहा है अरे बढ़ते जा रहे जो तापमान ये रहा उसके लिए हिस्सा लिया था रिड्यूस करने के लिए कि कैसे काम किया जाए सर देश में मिलकर उस पर खर्चा करेंगे पेड़ लगाएंगे नेचुरल नहीं तो कितनी पेड़ लगाएंगे समझ रहे ना बंदर 147 देश हिस्सा लिया था टोटल 140 आप शायद होगा 192 या 193 कंट्रीज होगा अभी वर्तमान उसका क्या था कि ग्लोबल वार्मिंग को क्या किया जाए तो नेशन को 3 भाग में डिवाइड किया गया एक डेवलप कंट्री और एक डेवलपिंग और एक अनडेवलप्ड जो डेवलप्ड है ज़्यादा पैसा देगा और डेवलपिंग है उससे कम देगा और अनडेवलप उससे कम देगा इसका कारण क्या है कि जितने भी नेशन जो डेवलप्ड होंगे उसके पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगी और जिसके पास ज़्यादा इंडस्ट्रीज होगा वो वातावरण को सबसे ज़्यादा दूषित करेगा नहीं जैसे पंखा चल रहा है ये क्या कर रहा है नहीं महाराज गर्मी दे रहा है लेकिन हमें महसूस हो रहा है टेम्परेचर को बढ़ा रहा है अरे बात समझे लेकिन हमें महसूस हो रहा है कि ठंडा नहीं एसी जो है वो क्या है डिहाइड्रेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड जितनी ज़्यादा अरे है ना आप इसको देखते हैं लाइट जलता है तो गर्मी देता है अरे बंद करते हैं ना और जितना ज़्यादा गर्मी बढ़ेगा उतना ग्लोबल वार्मिंग घटेगा कि बढ़ेगा बढ़ेगा पेड़ काटिएगा टेक्निकल रहिएगा पेड़ काटेंगे ये वो करेंगे तो जो कंपनी चल रहा है हजारों हजार कंप्यूटर टेम्परेचर को बढ़ाएगा कि घटाएगा बढ़ाएगा तो उसी में बोला था और जो अनडेवलप है नेपाल तो क्या दूषित कर रहा है जी नेपाल में अभी भी चल जाइए ना मजा आएगा नज़दीके इतना गर्मी महसूस नहीं होगा क्लियर है तो बोला गया कि जितने भी आउटमोडेड कंट्री हैं आउटमोडेड स्पेलिंग क्या बोले हैं हालांकि एक ही में लिखा रहेगा बेटा ऐसे आउटमोडेड मोडेड नहीं समझे आउट मतलब क्या बाहर अरे आउट का मतलब बाहर और कोई भी जोन मोड में है उससे अगर कोई भी चीज़ क्या चल जाए बाहर चल जाए तो प्रचलन में है कि प्रचलन से बाहर है अरे प्रचलन में है कि प्रचलन से बाहर जैसे समझिए अभी शादी से पहले बनारसी साड़ी चढ़ता था शादी में अगर बनारसी साड़ी नहीं चढ़ा तो कितने लड़ाई हो गया शादी में है ना फिर नया सिस्टम निकला फिर अभी बनारसी आ गया है अरे है ना शादी करिए तो बनारसी साड़ी चढ़ाना है बनारस वाला ना देखिए बनारसी साड़ी है ना तो बनारसी साड़ी अब तो ओल्ड इज गोल्ड हो गया ना वो क्या हो गया नहीं पहनेंगे है ना तो अब क्या हो गया आउटमोडेड हो गया आउटमोडेड मतलब प्रचलन से बाहर हो गया जैसे कुर्ता पैजामा क्या है आउटमोडेड है लेकिन जब तिलक के दिन बैठते हैं तब कुर्ते और पैजामा पहनते हैं ओल्ड गोल्ड है और तुम लोग वही पहनता नहीं तो एब्सोल्यूट का मतलब प्रचलन से बाहर होना जो चीज़ें प्रचलन से बाहर होगा नया होगा कि पुराना नया होगा नहीं सर पुराना हो गया यानी आउटमोडेड मतलब प्रचलन से बाहर या पुराना याद रहेगा कि नहीं yes, और इसी का मैंने एक वर्ड लिखवाया था है ना वो भी एस ओ एल यू टी एब्सोल्यूट याद है अरे एक वर्ड ऐसा लिखवाए थे क्या एब्सोल्यूट उसमें होगा कहीं सर एब्सोल्यूट का मतलब होता है क्या प्रचलन से बाहर एब्सोल्यूट का मतलब प्रचलन से बाहर तो जितने भी अनडेवलप्ड कंट्रीज हैं वो क्या है एब्सोल्यूट है अरे वो क्या है एब्सोल्यूट है वो नया है कि पुराना है पुराना है जैसे बहुत सारे चीज जो है वो विलुप्त हो रहा है अरे विलुप्त हो रहा है ना दैट इज पर क्या है एब्सोल्यूट है हमारा सोसाइटी कल्चर क्या हो गया एब्सोल्यूट एब्सोल्यूट हो गया
अरे पुराना हो गया, फिर से बोलिए पहला वर्ड बताइए क्या बोले हैं। वही हम खोज रहे थे। और इसमें क्या ए बी एस ओ एल यू टी ए बी एस ओ एल यू नहीं होगा बी के बाद ए बी वो है ना ए बी एस ओ एल यू टी। ना यार ना कैसे लिखे, टू को वर्ड में नहीं होता ना, शुरू होता है, हम बोल रहे हैं ना कि दो को वर्ड में नहीं होता आजकल। देखो तो इसमें दोनों का डिफर है स्पेलिंग। कितना नंबर पेज में है उसे भी दिखाना चाह रहे थे। 11 में है। देखो है ओ बी एस ओ एल ई टी, ओ बी एस ओ एल ई टी एब्सोल्यूट है ना, ओ बी एस ओ एल ई टी वही ना बोल रहे हैं। मेरा दिमाग कंफ्यूज खा रहा था इसीलिए हम उसको उठा रहे थे, दिमाग हैंग कर रहा था। ये एब्सोल्यूट है और दोनों का सिमिलर साउंड है बेटा। इसका स्पेलिंग क्या है बेटा, ओ बी एस ओ एल ई टी है और उसका स्पेलिंग ABSO। समझे ना, ए एब्सोल्यूट का मतलब क्या होता है, प्रचलन से बाहर, प्रचलन से बाहर, दैट इज कॉल्ड क्या, पुराना। क्लियर है, समझ में आ गया? यस सर। लिख लिए है, हां यही लिखना है, हो गया। क्लास को छोड़ते हैं, दिमाग हैंग कर रहा है। खाना आज नहीं खाए हैं ना, पार्टिंग ना यार, सुबह से पढ़वाते रहने एकदम सुबह हो गया। लिख लिया था, सुबह से पढ़ाते रह गए, अभी पूरा पढ़ा के धूप में आ रहे हैं और धूप का डायरेक्ट सनलाइट पड़ता है ना, ब्रेन खाए नहीं जा रहा।